हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम नए हेयर कट जो आपने देखा है थंबनेल पे हमारे कि नए हेयर कट के बारे में हम बता रहे हैं कि ये नया एडवांस हेयर कट है जिससे कि आपका हेयर की क्वालिटी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, हेयर का फॉल अच्छा हो जाता है, हेयर के अकॉर्डिंग आपकी स्टाइलिंग और अच्छी हो जाती है। और ये नए ट्रेंडी हेयर कट हैं, ये आप देख रहे हैं सारे सीनियर स्टाइलिस्ट हैं और ये हमारे टेक्नीशियन हैं बोनी श्रीधन जो हमारी सोचकोप के टेक्निकल जो एजुकेटर हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के। और ये देखेंगे कि जैसे मैंने अभी देखा कि फेस का किया तो इसमें क्या हुआ, अब हम बैक का हेयर लेके जा रहे हैं, उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको उसमें मर्ज करेंगे ताकि हम हेयर की लेंथ को मेंटेन कर सकें, हम हेयर को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकें। आप देख रहे होंगे कि सेक्शन बाय सेक्शन जब भी आप कोई भी काम करेंगे तो आप बहुत ही फाइन सेक्शन यूज़ करेंगे जिससे कि आपका हेयर कट नीट होगा, क्लीन होगा, आपके हेयर कट में ज़्यादा फॉल आएगा, हेयर कट के अंदर ज़्यादा क्या सैचुरेशन आ जाएगी, आपका हेयर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। आप देखोगे कि हेयर के अंदर बहुत ज़्यादा डायनेमिक चेंज हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि हम पूरा पिविटिंग के साथ में इसको कर रहे हैं कि पूरा हम सेक्शन टू सेक्शन पिविटिंग कर रहे हैं, जो हमारा एक्स्ट्रा हेयर है हम उसको रिड्यूस करते जा रहे हैं कि 90 पे उठा रहे हैं और 90 पे उठाने के बाद इसमें पिविटिंग कर रहे हैं, स्लाइसिंग कर रहे हैं। आप देखोगे कि हेयर की क्वालिटी कितनी इंप्रूव हो जाएगी। आप देखोगे नया हेयर कट है तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको देख रहे हैं कि ये 90 पे पूरा हेयर कट हो रहा है और ये हेयर की क्वालिटी कितनी मेंटेन हो जाएगी। और आप देखोगे कि इसके अंदर आपको फॉल भी आएगा। और जो लोगों को होता है कि मेरा हेयर में फॉल नहीं आ रहा है या मुझे एजुकेशन में होता है कि जितना भी आप फाइन आर्ट्स करोगे उतनी ज़्यादा विजुअल होगी आपकी फ़ाइन आर्ट्स। और ये आप देख रहे हैं कि पूरे सीनियर स्टाइलिस्ट जो हमारे समझा रहे हैं सब लोगों को धीरे धीरे, जहाँ पे हेयर को अगर आपको कुछ भी कुछ नया फॉल करना है, आप देखोगे कि हमने ये पिविटिंग की है हेयर की और उसके अकॉर्डिंग हम इसको पूरा का पूरा रीचेक भी कर रहे हैं और हेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, वॉल्यूम को अच्छा इन्हेंस कर रहे हैं कि हमने इसके अकॉर्डिंग फेस के अकॉर्डिंग पूरी फेस फ्रेमिंग के साथ में ये एडवांस टेक्निक होती है हमारे हेयर कट की। और अभी आप देखोगे कि हम मैंने उनको सर को बुलाया और मैंने बोला कि आप हेयर कट देखें तो हमने हम लेंथ को जो एंड्स होते हैं ज़्यादातर लोग क्या होते हैं स्ट्रेट कट कर देते हैं, तो ऐसे हमारे जो हमारे टेक्निकल गुरु हैं जो हमारे बोनी श्रीधरन, तो उसके अकॉर्डिंग देखो हम ऐसे स्लाइस करके भी हम वन लेंथ कर सकते हैं, नीचे से पैरामीटर को मेंटेन कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि उस तरीके से उन्होंने हमें बताया कि हम नीचे से इसको इस तरीके से जिगजैग तरीके से नीट कर सकते हैं। देख रहे हैं मैंने जैसे अपने हेयर की लेंथ को भी मेंटेन कर रहा हूँ, ऐसे लेयर को इम्प्रूव कर रहा हूँ, फॉल को मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई हेयर कट करते हैं तो उसमें क्या होता है नेचुरली फॉल आना बहुत ज़रूरी होता है, हेयर के अंदर मूवमेंट आना बहुत ज़रूरी होता है। हेयर की क्वालिटी जब भी ज़्यादा अच्छी होती है जब उसका एक्स्ट्रा जो डेड पार्ट्स होता है वो रिड्यूस हो जाता है। आप देखोगे कि हमने अब हेयर की लेंथ को भी मेंटेन कर लिया है कि पूरी की पूरी हमने एक, आप देखोगे एक तरफ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा लेंथ पूरा वेरिएशन नज़र आ रहा है। आप देखोगे अब मैं इस पार्ट को उठाता हूँ और इसमें स्लाइसिंग कर देता हूँ, इसमें को उठाता हूँ, इसमें कटिंग कर देता हूँ, और कटिंग करने के बाद देखोगे कि धीरे धीरे वो एंड्स में क्या हो रहा है कि आपकी वन लेंथ की तरफ होता हुआ जा रहा है हेयर। और आप देखोगे इसके अंदर कुछ नई टेक्निक है, नया विज़न है, कुछ नया रेवोल्यूशन है हेयर के अकॉर्डिंग। आपकी लेंथ भी ज़्यादा शॉर्ट नहीं होती है, जो आपके डेड एंड्स है वो रिमूव हो जाते हैं और आपके हेयर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है और आपके जो जितने भी स्प्लिट एंड्स हैं इसमें वो भी नहीं आते हैं। और हम पूरा हमारा हेयर कट आपका, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड सेल्फ ग्रेजुएशन हेयर कट। जैसे कि आप देखोगे मेरी टोनी एंड गाय की ट्रेनिंग हुई तो उसमें बोलते हैं कि इसको ट्रांस लेयर के नाम से हेयर कट को कहा जाता है कि आप देखोगे अभी मैं क्या करूँगा, नीचे से हम इस पूरे हेयर को वन लेंथ करने के लिए स्लाइसिंग पूरी लेंगे और हल्का, और ये देखोगे हेयर कट जो इस तरीके से फॉल आया है और हेयर के अंदर देखोगे लेंथ भी शॉर्ट नहीं हुई और कितनी अच्छी मूवमेंट आ गई है, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, हेयर की क्वालिटी इंप्रूव हो गई है। और आप देखोगे कि कितना डायनेमिक और कितना ये ट्रेंडी हेयर कट लग रहा है कि आपका फ्रंट से भी शॉर्ट नहीं हुआ है और आपकी लेंथ भी मेंटेन हो गई है। तो ऐसी वीडियो के लिए आप फॉलो करते